एक तरफ पेट्रोल वाली टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़ने का अनुमान है तो वहीं दूसरी तरफ ई स्कूटर की बिक्री पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। नीति आयोग के मुताबिक इस साल 23 लाख यूनिट ई स्कूटर बिकने का अनुमान था, लेकिन अब तक 30,000 से भी कम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्या है पूरी खबर बता रहे हैं वरुण। देखिए, जून के महीने में टू व्हीलर स्पेस में ईवी की जो सेल्स है वो 30,000 यूनिट से ज्यादा नहीं रहने वाली है, ये कहना है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2022 के बाद का ये सबसे निचला आंकड़ा होगा। फरवरी 2022 में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 29,000 यूनिट के आसपास की जो सेल्स है वो हुई थी, और उसके बाद इस बार जो है 30,000 यूनिट के ऊपर की सेल्स जो है वो कंपनियां नहीं करने वाली है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार ये बिक्री का आंकड़ा जो है 80,000 यूनिट, लाख यूनिट के आसपास रहता था, वहां से अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट FY24 के लिए नीति आयोग ने जो आंकड़ा अनुमान लगाया था वो 23 लाख यूनिट्स के आसपास का था, और सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कहना है कि इसका 60% जो है वहीं तक कंपनियां अचीव कर पाएंगी, उससे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो कंपनियां नहीं बेच पाएंगी, नहीं अचीव कर पाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, दरअसल इन कंपनियों को यानी कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को सरकार सब्सिडी देती थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके कुछ नियम थे। और आपको याद होगा पिछले कुछ समय में सरकार लगातार ये कहती गई है कि इन कंपनियों ने उन नियमों का उल्लंघन किया है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इनको जो सब्सिडी मिलती थी उसमें सरकार ने कटौती की है। 1 जून से जो इनको सब्सिडी मिलती थी करीब 15,000 पर किलोवाट के आसपास की, उसको काट के करीब 10,000 कर दिया है, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो कंपनियों के ओवरऑल कॉस्ट पे पड़ा है। और इसी के चलते कंपनियों ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके प्रोडक्ट के दामों में करीब 6,000 से 32,000 रुपये के आसपास का इजाफा जो है वो कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही TVS मोटर्स ने इनकी जो IQ स्कूटर थी उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की थी करीब 17,000 से 22,000 रुपये के आसपास की। तो जाहिर सी बात है इसके चलते ओवरऑल सेल्स जो है, ओवरऑल बिक्री जो है उसमें कमी तो होनी थी, लेकिन कमी भी भारी भरकम हुई है। पहले 15 दिन का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे जून और मई का तो करीब करीब 73.5% के आसपास की गिरावट जो है वो जून के बिक्री के आंकड़ों में देखने मिली है। तो भारी भरकम गिरावट जो है वो यहाँ पे हो रही है। क्या ओला, क्या एथर, क्या TVS मोटर्स, ये जितनी भी कंपनियां हैं, क्या बजाज, क्या हीरो मोटो, इन सब के जून के आंकड़े अगर आप निकाल के देखेंगे तो वहाँ आपको देखने मिलेगा कि भारी भरकम गिरावट देखने मिली है। तो जो सब्सिडी सरकार ने ख़त्म की है उसके बाद कंपनियों के खर्चे बढ़े हैं, कंपनियों ने खर्चे बढ़ने के चलते उसको पास ऑन किया कस्टमर्स को, और कस्टमर्स ने अब इन बाइक्स को